रहा तू वहां? मेरा चखना कहा है? अजीत भाई अभी लाए, फटाफट लेकर आ। इतना जल्द मेरे को प्यार से बुलाया अभी तो नहीं। अबे सुधीर, तुझे क्या लगता है तेरा वो मोहन पैसा देगा क्या? देखो नहीं है बाला, तो कल सुबह ही पता चलेगा। अबे 2 बज गए यार, तू एक काम कर, मैं सिगरेट लेता हूँ, तू मुझे बाहर मिल, ठीक है? चल। ज्योति। हाँ ज्योति। हेलो सुधीर। ज्योति अब सब कुछ ठीक होने वाला है, हाँ तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? हाँ 20 साल का सुधीर अपना काम खत्म करके देर रात घर वापस जाने के लिए निकला। घर जहाँ उसकी माँ और उसका भाई कच्ची पक्की नींद में रोजाना की तरह उसका इंतजार कर रहे थे। वो जिनकी खुशहाली के लिए सुधीर ने अपने दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन अपने घर पहुंच पाता सुधीर इससे पहले ही बीच रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अपने और अपने परिवार के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे सुधीर ने, जो आज बिखर कर रहे थे। चलती उखड़ती सांसों के बीच उसके जहन में क्या कुछ नहीं चल रहा हो, खुशहाल कल की आशाएं और मौत से जीत न पाने की बेबसी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वाकई सुधीर किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था जैसा कि लग रहा था, या वो किसी की गहरी साजिश का शिकार हुआ था? घर पर मुझे लेके बहुत टेंशन है। दादा हर हफ्ते मेरे लिए एक नया रिश्ता ले आता है, उसको नेता बनना चाहता है, इसलिए सब पर नेतागिरी झाड़ता रहता है। अब तक तो मैं किसी तरह संभाल रही थी, लेकिन अब कहता है कि अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो मेरी शादी जबरदस्ती करवा देगा। ज्योति तू टेंशन मत ले, देख आई मुझे देसाई सर से मिलाने ले जा रही है, और बहुत ही चलेगा, अच्छी सी नौकरी भी दिला देंगे मुझे, फिर देख कैसे आई को लेके आता हूँ तेरे आई पापा के पास। लेकिन कब होगी हमारी शादी, कब होगा ये सब? मुझे तो डर है कि तब तक ज्योति तुम इसे कोई अलग नहीं कर सकता, बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि छोटे का एडमिशन करवा सको अच्छे से कॉलेज में, और माँ को भी थोड़ा सा आराम दे सकूँ। पता नहीं जैसे तैसे करके लोगों के घरों में काम किया है और उन्होंने पाला पोसाया हमें, अब मुझसे नहीं देखा जाता माँ का दूसरे लोगों के घरों में काम करना। हम दोनों मिलकर कर लेंगे सब। अबे क्या कर रहा यहाँ पे? अशोक, अशोक तू पागल हो गया क्या? तुझे कितनी बार बोला कि ज्योति सिर्फ मेरी है? अशोक बकवास मत कर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा मैं सिर्फ सुधीर से प्यार करती हूँ, और बार बार तू ये तमाशा क्यों खड़ा करता रहता है? मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, समझा तू? अब जा यहाँ से। सुना नहीं तुम्हें क्या कहा इसने? जा यहाँ से निकल, लड़की है तो ज्यादा हीरो बन रहा है। मारूंगा ना। ए छोटू पांचा, तेरे को बोला ना ठीक से लगा? हाँ अरे दिलीप भाऊ का फोटो है वो अपना। ए मात्रे में तेरे को क्या बोला ठीक से सुना ना, कल की सभा में तेरे मोहल्ले का एक एक छोकरा लोग मांगता मेरे जोशी साहब को प्रॉमिस किया ना कि कल की सभा में नौजवानों की भीड़ होगी, समझा ना? मैंने बोला ना भाऊ काम हो जाएगा। नहीं नहीं रे मात्रे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। इस बार के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में इस वार्ड के टिकट पर अपना नाम देखना है मेरे को। ए गड्डी जा रहे। नाम आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जा, इधर नहीं चलेगा, इज्जत है इधर मेरा, सब मानते हैं भाव को।
समझी ना? खुद समझ जा। भाई को मत बोलना प्लीज। टेंशन मत ले यार। सुधीर क्या दिनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं यार, उसको नौकरी चाहिए था, मुझसे मदद मांग रहा था, कहता है किसी और बार में काम करेगा। बार में नौकरी? हाँ, अचानक से क्यों? वो भी यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोचा हुआ बोलेगा वो? भाई मेरे दोस्त ने मुझे आके बताया कि कॉलेज के एडमिशन के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000? कब तक चाहिए? 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में? अभी 2 दिन बाकी है, और मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझा? जगह जा। और सुन, आज के बाद कभी ये नौकरी का ख्याल भी मत लाना दिमाग में। मैं हूँ ना, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? हंस ले अभी, जा ये ले। थैंक यू दादा। अच्छे से पढ़ाई कर। थैंक यू। अच्छा वाला भाई, चल। अबे तू पैसा कैसे देगा उसको? वो मोहन को 15,000 दिया था ना, लगता है वापस लेने का टाइम आ गया। चल लेके आता उसे। चल चल बात करते। मोहन तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देख भाई, अगर तू 4 दिन पहले आया होता ना, तो मैं तेरे सारे पैसे उसी वक्त दे देता हाथ में, लेकिन अब टाइम लग जाएगा यार। जो भी जोड़ा था मैंने सब घर पे गांव में मरम्मत के लिए भेज दिया। अब देख 3 महीने तो लगेंगे ही कम से कम पैसा लौटाने में। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे मेरे सारे के सारे पैसे लौटा दे। अरे 2 महीने से लटका रहा है। अरे मैं समझता हूँ यार, लेकिन कहीं भागा थोड़े ना जा रहा हूँ, पैसे मैं दे दूंगा। मोहन देख, अगर मुझे मेरे भाई के एडमिशन का टेंशन नहीं होता ना, तो तू जितना वक्त मांगता उतना दे देता, लेकिन अब तू कुछ भी कर, कहीं पर भी जा, मेरे सारे के सारे पैसे लौटा दे, वरना वरना क्या करेगा तू? परसों आ रहा हूं, पैसे तैयार रखना। चल बाला। भाई तू 2 दिन में कैसे लौटा गया इसके पैसे? अबे पैसे लौटाने किसे? वो आएगा 2 दिन में, तब क्या? अबे 2 दिन में? 2 मिनट में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, तू 2 दिन की बात कर रहा है? देखता हूँ कैसे आता है पैसे मांगने के लिए। ठीक है, काम पर तो रख दूंगा, लेकिन आजकल की जनरेशन जैसी काम चोरी की तो उतना जल्दी निकाल भी दूंगा। नहीं साहब, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है गायत्री भाई, तुम्हारा बेटा इसलिए मैं सोच रहा हूँ, वरना ऐसे किसी को मैं नौकरी देता भी नहीं, और खास तौर पर आजकल की जनरेशन को जिन्हें जल्दी पैसे कमाने की पड़ी रहती है। ठहराव नाम की कोई चीज है ही नहीं। देसाई साहब आप विश्वास कीजिए, आपको मेरी तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। कितना कमाते हो? सर 5,000। कल फैक्ट्री आकर असिस्टेंट सुपरवाइजर का जॉब समझ लो, 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर लेना, 12,000 तनख्वाह मिले। देखा मैंने बोला था ना साहब, बहुत अच्छे, एक बार में डबल पगार की नौकरी दे दी। चाचा पैर छू, आशीर्वाद। ठीक है ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अच्छा काम करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ओके मॉम बाय, मैं रात को लेट आऊंगा। अरे बेटा सुन तो। आ जाऊंगा मैं। अरे सुन, देखा आजकल के लाड साहब, नहाए ना भाई, पूरा बिगाड़ के रखा है तुमने उसे। मैंने एक सोच लिया, मैं उसे अमेरिका भेजूंगा अपने बड़े भाई के पास, वही उसे सीधा कर देंगे। अरे हम बाप हो या दुश्मन, मेरा अर्पित अभी छोटा है, मैं कहीं नहीं भेजूंगी उसे। 18 साल का हो गया वो, अभी नहीं संभालेंगे तो पूरी जिंदगी भर रोते रहेंगे। अरे यहाँ देखना, 21 साल का है वो, 18 साल की उम्र से घर चला रहा है। इसमें और तुम्हारे बेटे में जमीन आसमान का फर्क है। जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती, इस सफर में कभी मुसीबतों की धूप हमें झुलसाती है, तो कभी किसी मेहरबानी की छांव यकायक सफर को आसान बना देती है। अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मोर्चे पर जूझते सुधीर को भी ऐसे ही एक आसरे सहारे की जरूरत है। उसे लगा जिंदगी न सिर्फ उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दे रही है, बल्कि उसके और ज्योति के बीच की दूरियां भी कम हो रही है। सब कुछ एक सपने सा लग रहा था, और अब इस सपने को हकीकत बनने में बस 1 हफ्ता और था।
को फोन करना है यार। हेलो हेलो। हाँ सुधीर। हाँ तुझे पता है क्या हुआ? ज्योति। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो ज्योति। सुधीर चलना यार, जल्दी चलना। जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? बहस मत कर, तेरे दादा ने सुन लिया ना तो बवाल खड़ा कर देगा। देख मैंने तेरे लिए पैठने निकाल के रखी है और दागीने भी। कितनी सुंदर दिखेगी तू। तुझे देखने के लिए मेहमान आए हुए है। मेहमान आई? मैंने तुझे कितनी बार बोला मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, पर तू क्यों मेरी नुमाइश लगाती रहती है? अरे सुन ना, लड़का बहुत अच्छा है, अमीर भी है, तेरा दादा उन लोगों को जानता है, और उसके पिताजी तो है ना बहुत बड़े नेता है। अरे वो लोग तो कब से तुझे देखना चाहते थे। सामने से रिश्ता आया है, बड़ी नसीब वाली है रे। मुझे कुछ नहीं सुनना है आई। मैंने एक बार कह दिया ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भाड़ पे जाए रिश्ता, भाड़ पे जाए बोलोगे। आइए एक मिनट। चुप और आवाज नीची कर कर बात कर, और जैसा आई बोलती है ना चुपचाप वैसा कर। 5 मिनट के अंदर तू मेरे को बाहर दिखनी चाहिए, समझी? आई 5 मिनट में इसको बाहर लेकर आ। आओ बेटा आओ। जोशी साहब ये मेरी बेटी है ज्योति, और ज्योति ये है जोशी साहब, और ये इनके बेटे अशोक। सचमुच आपकी बेटी बड़ी सुंदर है। अब जाकर मुझे पता चला मेरा बेटा शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रहा था। क्यों बेटे, प्रभु साहब की लड़की तुम्हें कैसी लगी? मुझे ज्योति पसंद है। तो ये रिश्ता पक्का कर दे। हाँ दूसरा बात, चाय तो लीजिए। चाय तो छोड़ाओ प्रभु साहब, पहले तोड़ गोड़ करा, अब तो हम अपने संबंधी बनने वाले हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। दिलीप छोड़ तेरा, दिलीप 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 अरे पासा। एक मिनट, एक मिनट, एकदम टप्प बस तू आना। बोला था आई मैंने इसको, एक बड़े घर में तेरा रिश्ता कर रहा हूँ। अरे जोशी साहब का लड़का है वो, मेरे गुरुजी है जोशी साहब, समझी तू? नहीं समझी ना? लेकिन तू तू स्वेटर के साथ उस चौल में रहने के सपने देख रही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हेलो ज्योति। अरे कहाँ है तू, कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे। अरे कुछ बताना था तुझे। पहले सुधीर तू मेरी बात सुन, तुझे पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? दादा मेरी शादी करवा रहे हैं। हेलो पाटत नहीं ना तुला, वो कुड़ी के वेटर से बात कर रही थी। कितनी बार समझाऊं ज्योति तुझे कि वो मेरा गुरु है। बड़े लोग है वो, तेरे चक्कर में मेरा टिकट दांव पर लगा हुआ है। ज्योति समझ जाओ, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, बताता हूँ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। नमस्ते। दिलीप घर पर नहीं है। काकी मेरा नाम सुधीर है, मुझे आपसे मुझे और ज्योति को लेकर बात करनी थी। तुम जाओ यहाँ से, यहाँ ज्योति नहीं रहती। अरे जाओ रे बाबा, दिलीप आ जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। काकी मेरी बात तो सुनिए आप। जी कोई। काका नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है। देख चल 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 निकल यहाँ से, आज के बाद वापिस इधर आने का नहीं और ज्योति से मिलने का भी नहीं, उसकी शादी होने वाला है, चल चल। काका बाबा क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं आप? हाय बाबा यार सुधीर यार, प्यार करता हूँ उससे। सुधीर यार
मैं खुश रखूंगा उसको बहुत। तू चल यार, चल। समझ नहीं रहे ये लोग। अरे मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं वापस आऊंगा ज्योति को लेने के लिए। अच्छा, अरे क्या टेंशन ले रहा है यार, सब ठीक हो जाएगा ना, उसमें क्या है। अरे क्यों इतना गुस्सा है यार, अरे कुछ नहीं होगा यार। क्या बे, ए घेना। अबे घेना। अरे अत्ता ज्योति माझी है, वैसे तो मैं ये सब ज्योति के लिए लाया था, मगर मगर ले थोड़ा मुंह मीठा कर ले। अरे करना। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया, तू ठहरा गरीब आदमी। ये गब्बस ना कर, तू ये पूरा डिब्बा ही रख ले, ले। ए, 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 चलना। शादी में तू चल यार, बेटरगिरी के लिए तुझे ही बुलाऊंगा। अरे पागल है तू, वही। अरे तू चलना यार, वो पागल है यार, छोड़ना है। चल। मुसीबतें थी कि सुधीर के रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही। अगर कभी किसी दिन कोई उम्मीद जगती तो अगले ही पल वो कुचल दी जाती। इस नई नौकरी मिलने की खुशी को अभी सुधीर जज्ब भी नहीं कर पाया था कि ज्योति का साथ छूटने का खतरा सर उठाकर खड़ा हो गया। जिम्मेदारियों के बोझ से डरा सहमा सुधीर चाहकर भी आंसू नहीं बहा सकता था। उसे न सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई का ख्याल रखना था, बल्कि अपनी जिंदगी के सपनों को सहेजने का रास्ता भी खुद उसे ही ढूंढना था, और वो भी जल्द, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वेटर इधर आ। बोलिए सर, क्या ऑर्डर? अच्छा, तू इधर आकर ऑर्डर लेता है और उधर घर पर जाकर चैलेंज कर आता है। मात्रे नाम बता इसको मेरा। चल छोड़ अभी, बाद में। अभी तू जा और 3 लार्ज विस्की लेकर। देख क्या रहा, साफ कर। ठीक से साफ कर, चिंता मत कर, तुझे पूरी टिप देकर जाऊंगा, द टेबल के नीचे भी। अब साफ कर। अच्छा लगता तू ये सब करके, यही किया कर, यही तेरी औकात है। आइंदा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना, वहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। दिलीप, दिलीप प्रभु नाम है मेरा, याद रखना। तुझसे जो बताए कर ले, लेकिन ज्योति की शादी मेरे साथ ही होगी। वाचना नहीं तू, याद रखना। को सोचा है सुधीर का क्या करेगा तुम? चल चल अपना काम कर। सुधीर की जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसने कई दुश्मन बना लिए थे। भाऊ, ये काला वाला ही चाप के रास्ते में आ रहे हैं। भाऊ के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। अबे सुधीर। हाँ। तुझे क्या लगता है तेरा वो मौन पैसा देगा तेरे को? पता नहीं यार बाला, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। अबे 2 बज गया यार, तू एक काम कर, मैं सिगरेट लेता हूँ, तू मुझे बाहर मिल। हाँ जा, आता हूँ मैं। ज्योति। हाँ ज्योति। हेलो सुधीर। ज्योति अब सब कुछ ठीक होने वाला है। हाँ तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? हाँ हेलो सुधीर। सुधीर साथ मत छोड़, मैं तेरे साथ हूँ सुधीर।
किसी गाड़ी ने आके टक्कर मार दी। क्या वाकई सुधीर की मौत हिट एंड रन का केस था? उसकी मौत को हादसे का नाम दिया जा सकता था? कहना मुश्किल, क्योंकि अगर सुधीर की मौत से पहले की घटनाओं को देखें तो ये एक साजिश भी हो सकती है। ज्योति का भाई दिलीप और ज्योति से शादी करने की चाह रखने वाला अशोक, इन दोनों की आंख का कांटा बन चुका था सुधीर। इन दोनों के अलावा इस केस में एक तीसरा सस्पेक्ट भी था, मोहन, जिसने सुधीर का उधार चुकाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सुधीर के घर वाले उसकी मौत को हादसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लिहाजा उनके बयान के आधार पर पुलिस ने अब इस हादसे में साजिश की कड़ियां तलाशनी शुरू कर दी। मुझे तो ये हिट एंड रन का केस लगता है। वैसे आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, मेरा बेटा किसी से झगड़ता नहीं था। उसकी तो अगले महीने नई नौकरी लगने वाली थी साहब, उसकी तरक्की होने वाली थी साहब। ये क्या हो गया सर? सुधीर कई दिनों से बहुत टेंशन में था सर, और उसका किसी के साथ अनबन भी हुआ था। किसके साथ? सर वो मोहन, उसका गैरेज है सर। उसने सुधीर से उधार लिया था और जब हम मांगने गया तो उसने धमकी दिया सर। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ 15,000 के वास्ते सुधीर ने आप लोगों को तकलीफ क्यों दिया? अगले महीने मैं उससे मिलकर उसके पैसे दे देगा। मुझे क्या मालूम था साहब कि सुधीर का आप लोगों से भी कनेक्शन है। वैसे साहब सुधीर इस वक्त है किधर? सुधीर का कल रात को रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया। मालूम नहीं होने का नाटक करता है। मेरे सामने शांतपति नहीं करता। बोल कैसे उड़ाया उसको, मारा या मरवाया? मैं कसम खाता हूँ साहब, मैं उस दिन के बाद उसको देखा भी नहीं। और फिर सर वो अशोक, सर वो सुधीर की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ था सर, और मैं भी था उस वक्त। उसने उसको हाथापाई किया था सर उसके साथ। तेरा नाम अशोक है? अरे मैंने क्या किया साहब? मैंने उसे धमकाया जरूर था, लेकिन उसे मारा नहीं था सर। मेरा मकसद सिर्फ ज्योति को अपना बनाना था। ये गर्लफ्रेंड कौन है? सर ज्योति। तो तुम्हारी नजर में कोई है जिसकी दुश्मनी सुधीर से हो? मेरा भाई दिलीप प्रभु। आपको क्या लगता है कि मैं मारा उसको? क्या चिंते साहब, अगर आपको लगता है तो जाकर पहले कुछ सबूत लेकर आई। आप बुलाए मैं इधर आया, पर अगली बार बिना सबूत के दिलीप प्रभु के मुंह नहीं लगना। चलता है मैं। सुन, जिस दिन साबित हुआ कि तू जिम्मेदार है उस दिन घसीट के लाऊंगा तुझे थाने में। सुधीर की माँ और भाई घटना स्थल पर गए और सुराग ढूंढने की हर संभव कोशिश की। लोगों से ये पता करने में लग गए कि एक्सीडेंट के वक्त वहाँ कोई तो मौजूद होगा और किसी ने कुछ तो देखा होगा। आई, हमने पहले सबसे पूछ लिया था और ये अपने ही लोग हैं। लेकिन दोबारा पूछने में क्या हर्ज है? अरे आप फिर आ गई? कितनी बार मैंने बताया, हर कोई आके यहाँ पूछता है, हमको नहीं मालूम। अरे कहाँ जा रहे भाई, एक्सीडेंट होते हुए तूने देखा है? मैं उस रात को। अरे क्यों लफड़े में पड़ रहा है भाई? अरे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठना और अपना काम करते रहना। जब जुल्म सहने और देखने वालों की जुबानों पर ताले लग जाते हैं तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। आज अगर जगह जगह अपराध बढ़ रहा है तो इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और अपराधियों को दोषी ठहराना गलत हो। दोषी है हर वो शख्स जो सब कुछ देख कर भी आंखें फेर लेता, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध लेता। विरले होते हैं वो लोग जो आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की और न्याय का साथ देने की हिम्मत रखते हैं। सुधीर की मौत का सच जानने की कोशिश में जुटी उसकी माँ गायत्री, उसके भाई दिनेश और उसके बेस्ट फ्रेंड बाला को भी आखिरकार एक शख्स ऐसा मिल ही गया जिसमें सच और न्याय का साथ देने की हिम्मत थी। मैंने देखा आपके बेटे का एक्सीडेंट होते हुए, मोड़ पे खड़ा था जब भी हल्ला हुआ। टक्कर मारते हुए तो नहीं देखा मैं, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था मैं। नंबर याद था तो लिख लिया मैंने। Hey, hey, hero.
सर मैं वहां पे था और पास भी चला रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा सर उसे। सर मेरी कार के पीछे से गाड़ी पास ओवरटेक करके निकल गई सर, और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक लड़का सड़क पे गिरा हुआ था सर। सर वो कार ने उसे मारा होगा सर। ए पिक्चर का स्टोरी सुना रहा है मेरे को इधर, तू बोल सीधा। सर रात में मैं मेरी कार से घर लौट रहा था, मेरी कार से एक पीछे से गाड़ी बहुत जोर से हॉर्न बजा रही थी और अपर डिपर भी दे रही थी। मैं जब तक अपनी कार साइड में लेता रोड के, उसकी कार भी मेरे बराबर में आ गई थी सर। मेरी कार को कट मारकर तेजी से आगे निकल गया सर वो। मुझे गुस्सा आया सर इस बात का, और मैंने भी अपनी कार की रफ्तार तेज की और उसका पीछा करने लगा सर। फिर क्या, देखते देखते हम लोग की रेसिंग स्टार्ट हुई सर, और सर वो बहुत आगे निकल गया था सर। और जैसे सर मैं उस चौराहे पे देखा सर, वहां पे वो आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था सर। मैं डर गया था सर, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और मैं दूसरी तरफ से टर्न लेके चले गए सर। सही बोल रहा है? यस सर। कौन सी गाड़ी थी, नंबर क्या है? सर नंबर तो मुझे नहीं पता सर, लाल रंग की गाड़ी थी। बहुत गाड़ी चलाने का शौक है ना, अगर मुझे दूसरा कोई नहीं मिला ना तू अंदर जाएगा। पुलिस को मिले सुराग के मुताबिक उस रात मौके पर चश्मदीद गवाह ने जिस गाड़ी को देखा था उसमें बंटी नाम का एक नौजवान सवार था, लेकिन पुलिस का यह सुराग तहकीकात की दिशा बंटी की तरफ मोड़ता उससे पहले ही बंटी ने एक नई कहानी उनके सामने रखी। उसके मुताबिक उस रात मौके पर एक और गाड़ी बेतहाशा रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2011 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में हर तीसरे मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है। उस साल सड़क दुर्घटना के 4,97,000 मामले दर्ज किए गए। अक्सर ये माना जाता है कि ऐसे मामले कार में किसी तकनीकी खराबी या कार ड्राइव करने वाले व्यक्ति की गलती की वजह से होते हैं, और कई मामलों में यह सही भी है। तो क्या सुधीर की मौत महज एक बुरा इत्तेफाक थी? पुलिस भी इसी पशुपेश में थी कि तभी एक और अहम सुराग सुधीर की मां गायत्री के हाथ लगा। दिशा साहब हैं क्या? नहीं वो ऑफिस गए। अच्छा, ये चाबी साहब को दे देना, और साहब की गाड़ी मैंने बिल्डिंग के नीचे पार्क में पार्क कर दिया। गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं वो कुछ डेंटिंग पेंटिंग करना था और रंग बदलना था। रंग? रंग क्यों बदला? ओ पता नहीं। और ये बिल भी साहब को दे देना, ठीक है? पागल हो गए क्या? बेटे के मौत के सदमे में कुछ भी बोले जा रहे हो? देखो गायत्री, मैं भी एक माँ हूँ, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी गैरेज से गाड़ी आई और तेरे बेटे का एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन आपकी गाड़ी का रंग लाल था और आपने रंग भी बदल दिया। वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे दूसरी गाड़ी का रंग भी लाल है। हाँ तो शहर में बहुत सारी लाल रंग की गाड़ियां हैं, तो क्या हर एक लाल रंग की गाड़ी वाला गुनेगार है? लेकिन आपकी गाड़ी तो सुधीर के एक्सीडेंट के अगले दिन ही गैरेज में गई थी ना, और आपने उसका रंग भी बदल दिया। देख गायत्री, तो अब घर जा, सोचना बंद कर, नहीं तो तुझे तकलीफ होगी। जा घर जाके आराम कर। क्या होगा? अगले दिन गाड़ी ठीक करवाने दी,
और रंग भी बदली कर दिया उन्होंने। अगले दिन मुंबई में हजार लोगों ने अपने गाड़ी का रंग बदला होगा। हे बगा, मैं मानता हूँ कि हमारे हाथ अभी सबूत नहीं लगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हरे को शक के घेरे में ले। आप घर जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर ये तो मैं सबूत नहीं मान सकते। मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन आई, देसाई साहब तो कितने भले आदमी हैं। तुम इतने सालों से उनके साथ काम कर रही हो। उन्होंने जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारी मदद की है। वो हमसे क्यों कुछ छुपाएंगे आई? उनकी हमसे या दादा से क्या दुश्मनी थी? अरे देसाई साहब, आप सुधीर, जो तुम दोनों का जीने का सहारा था, क्या मैं बेटे का बाप हूं ना? मैं समझ सकता हूं इसका दर्द क्या है, लेकिन ये भी बात इतनी कड़वी सच है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जितना मुझसे होगा ना, मैं करूंगा गायत्री भाई। उस हादसे को भूल जाओ गायत्री भाई। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी नई जिंदगी इस बेटे से शुरू करो। लेकिन इतने पैसे क्यों गायत्री भाई? ये जो सवाल तुम्हारे मन में आते हैं ना, उसे शांत करने के लिए। और हाँ, जब दिनेश की पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो इसका सारा जिम्मा मैं लूंगा। हाँ, मैं इसे नौकरी पर रखूंगा अपनी फैक्ट्री पर। तुम बेफिक्र रहो। एक बात पूछूं, मेरे सुधीर का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ ना? देखो गायत्री भाई, मैंने कहा था ना कि जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, इसे ले लो। हाँ सब, अब आगे की तो सोचना है। आप ठीक कह रहे हैं। अरे हाँ, वो बिल शायद तुम्हारे पास ही रह गए क्या? कल आऊंगी तो लौटा दूंगी। ये क्या है? इतना सबूत काफी है आपको? मतलब क्या है आपका? सर, इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? ना मैं चोरी करती हूं, ना ही भगवान इतना दयालु है कि मुझ पर इतनी मेहरबानी करे। अब देसाई साहब आए थे, ये पैसे देकर गए हमारा मुंह बंद रखने के लिए। इतना इतना सबूत तो काफी है ना आपको? अरे आओ ना गायत्री भाई। चला रे आज। सबसे पहले तो गाड़ी फोरेंसिक वाले के पास भेजने की तैयारी करो। ओके सर। लेकिन आप इस तरह मेरी गाड़ी कैसे उठा सकते हो? अरे बोल, गाड़ी तेरे पास क्या काम के लिए आई थी? वो सब आगे का हिस्सा पूरा डैमेज था। डेंटिंग करने के बाद सर ने रंग बदलने को देखा। और क्या तारीख को गाड़ी आया था? साहब, 22 जून की दोपहर में। ये एक्सीडेंट का किस लगता था सर? आप मेरी बात तो सुनिए सर। देखिए, इस तरह आपको कैसे सबूत मिल सकता है सर? आप मेरी गाड़ी बिना किसी वारंट के कहीं नहीं ले जा सकते। आई विल कॉल माय लॉयर। हाँ, बोलवा, आपके लॉयर को बुलाओ और उसको ये वारंट दिखाओ। और सुनो, हम सिर्फ गाड़ी नहीं ले जा रहे, तुमको भी साथ चलना होगा।
इंटरोगेशन है। जादव गेहूं चला जानना। ओके सर। देसाई साहब, हमें आपके गाड़ी के रेडिएटर में विक्टिम का खून लगा मिला। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। जी सर, मैं सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा था सर। उस रात वो सामने आया और मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया सर उसका। मैंने लाख छुपाने की कोशिश की सर, पर सच तो सामने आ ही गया। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। पर इस उम्र में आपने ये स्पीडिंग की लापरवाही कैसे की? मिस्टर देसाई, आप जानते हैं आपके इस गुनाह की आपको क्या सजा मिल सकती है और उसका आपके परिवार पर क्या असर होगा? पटेल, वो बंटी को ले आओ, रेसिंग वाला बंटी। जी सर, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। बंटी, यही गाड़ी चला रहे थे? नो सर। क्या? ये वो शख्स नहीं। ठीक से देखो। यस सर। मिस्टर देसाई, काय नाटक चल रही है? सच सच बोलो, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? मेरा बेटा तृप्त। बंटी, ये था वो। यस सर। पक्का? यस सर, यही था। बोला। वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, करते मेरी है सर, मुझे होश नहीं था। अभी पूरा स्टोरी सुना। वो मैं अपने दोस्तों के घर पार्टी मना के लौट रहा था, मेरी कार के आगे एक कार चल रही थी, वो मुझे रास्ता नहीं दे रही थी। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो गाड़ी वाले से रास्ते में मेरी भैंस हो गई। मैं उसे कट मार के आगे निकल गया, पता ही नहीं चला। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कब रेस शुरू हो गई। मैं बहुत तेजी से कार चला रहा था, तभी अचानक रास्ते में पड़ी किसी चीज से बचने के लिए मैंने गाड़ी लेफ्ट में मोड़ दी और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। सड़क पर कौन इस सब में आदमी से मेरी कार टकरा गई। मैं बहुत घबरा गया था, गलती मेरी थी। मिस्टर देसाई, लापरवाही से गाड़ी चलाकर सुधीर की मौत का कारण बनने के जुर्म में आपके बेटे को गिरफ्तार किया जाता। आगे का फैसला कोर्ट में होगा। तफ्तीश और अदालती कार्यवाही के बाद अर्पित को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए 2 साल कैद की सजा सुनाई। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद सुधीर की माँ गायत्री को इंसाफ मिला, लेकिन इससे उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। उनका बेटा सुधीर अब वापस नहीं आ सका। सुधीर से जुड़ी कई जिंदगियां थी जो अब सुधीर को हमेशा के लिए खो चुकी थी। ये हादसा सावधान करता है उन लोगों को जो कम उम्र में जोश में आकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर चलने वाले किसी मासूम की जान ले लेते हैं। याद रखें, सड़क पर चल रहे मासूम व्यक्ति की जगह कोई हमारा अपना भी हो सकता है, इसीलिए जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाएं और पैदल यात्री भी ध्यान रखें। सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।